नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे समाज कार्य का इंग्लैंड में विकास किस तरीके से एक व्यवसायिक रूप लिया समाज कार्य ने इंग्लैंड में। इसको हमने चार भागों में डिवाइड किया है, 1800 से पूर्व, 1800 से 1900, 1900 से 1950 और 1950 से अब तक का। 1800 से पूर्व और 1800 से 1900 हम पहले पार्ट वन पार्ट टू वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे 1900 से 1950 में समाज कार्य का स्वरूप किस तरीके से चेंज हुआ इंग्लैंड में और किस तरीके से वो व्यवसायिक रूप में आया। तो सन 1900 से 1950 तक इंग्लैंड में समाज कार्य के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई। 1900 से पूर्व लोगों की सहायता के लिए कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष व्यक्ति सहायता करते थे 1900 से पूर्व में, लेकिन 19वीं शताब्दी में लोगों की सहायता के लिए संस्थागत रूप ले लिया कि संस्थाएं बन गई लोगों की सहायता करने के लिए। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये हुआ कि इंग्लैंड में बेरोजगारी बढ़ने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बेरोजगार जो थे वो अपने परिवारों की पूर्ति के लिए, अपने परिवारों की निर्धनता को दूर करने के लिए निर्धन सहायता की मांग करने लगे। ये था मतलब 1900-1950 में बेरोजगारी की समस्या ज़्यादातर देखने को मिली। अब इसमें 1900 और 1950 में विलियम बेवरेज की रिपोर्ट आई थी। विलियम बेवरेज की रिपोर्ट समझने से पहले कि उस समय क्या हुआ, उस रिपोर्ट में क्या हुआ, विलियम बेवरेज रिपोर्ट के पूर्व का भी कुछ इतिहास है। तो विलियम बेवरेज रिपोर्ट के आने से पूर्व इंग्लैंड में निर्धनों की सहायता करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए कानूनों का निर्माण हुआ, बहुत सारे कानूनों का निर्माण हुआ। जैसे कि 1905 में लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन की अध्यक्षता में निर्धन कानून और दुख निवारण शाही आयोग का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों की और आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना इस कानून का मेन उद्देश्य था। और इस आयोग के अनुसरण में 1905 में बेकार कर्मकार अधिनियम पारित किया गया। जो बेरोजगार थे, बेकार थे लेकिन काम करना चाहते थे, उनके लिए अधिनियम पारित किया गया। 1908 में वृद्धावस्था पेंशन कानून पास हुआ, जिसके अधीन 70 से अधिक आयु के वृद्धों की, जो आवश्यकताग्रस्त वृद्ध हैं, उनके लिए व्यवस्था की योजना बनाई कि जो 70 साल से अधिक हैं, जो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी तरीके की आवश्यकता है, उनके लिए ये कानून पास किया गया। उसके बाद 1909 में श्रम कार्यालय अधिनियम पारित किया गया, श्रमिकों के लिए ये अधिनियम पारित किया गया। 1911 में राष्ट्रीय बीमा कानून, जिसके अंतर्गत जिनकी आय कम है उनके, उन समूहों के श्रमिकों के अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कर दिया गया, क्योंकि श्रमिक जो हैं उनको स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, उनकी आय कम रहती है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य कर दिया गया। अब आप यहाँ देखिए कि ये जितने भी कानून बने, और या फिर हम बात करें कि 1900 से 1950 में मेन चीज़ क्या दिखाई दे रही है हमें, सामाजिक सुरक्षा, लोगों का कल्याण करना, उनके कल्याण के लिए काम करना। ये हम देख नहीं रहे हैं कि आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को भीख देना या उनको, उनके लिए सहायता करना, कपड़े दान करना, ये हमें यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा। हमें अभी तक यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनके कल्याण की बात की जा रही है। आगे चलते हैं हम। 1920 में ब्लाइंड पर्सन्स एक्ट में 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो नेत्रहीन व्यक्ति थे उनके पेंशन की व्यवस्था की गई, क्योंकि जाहिर सी बात है नेत्रहीन है तो वो कुछ
काम करने में असफल रहते हैं, इसलिए उनकी पेंशन की व्यवस्था की गई। 1925 में विधवा, अनाथ और वृद्धावस्था, ये जो व्यक्ति हैं, ये आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति होते हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। जो 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, अनाथ हैं, उनके लिए बीमा योजना किया गया की व्यवस्था की गई। 1934 में बेकारी अधिनियम पास किया गया, इसका उत्तरदायित्व किसे दिया गया? बेकारी सहायता बोर्ड को सौंपा गया, वो जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेकार हैं, उनकी सहायता करेंगे काम दिलाने में या अन्य तरीके से। 1939 में इस बोर्ड ने, मतलब बेकारी सहायता बोर्ड ने, युद्ध के शिकार व्यक्तियों को भत्तों का भुगतान करने का दायित्व भी अपने पास ले लिया कि जो युद्ध में जो शिकार व्यक्ति हैं उनको सहायता पहुंचाने का कार्य। 1940 में वृद्धा पेंशन अधिनियम बना, जिसके अधीन क्या किया गया, वृद्धों को विशेष रूप से जिनको चिकित्सीय उपचार की ज़रूरत है, जिनको स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी चीज़ों की ज़रूरत है, उन आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को पेंशन की भुगतान की व्यवस्था की गई। ये थी विलियम बेबरिज रिपोर्ट के पहले की बात। अब आई विलियम बेबरिज रिपोर्ट, उसके बाद क्या हुआ? तो द्वितीय महायुद्ध के मध्य में श्री विलियम बेबरिज ने ब्रिटिश समाज सेवा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा उसमें? अभाव, रोगी या अस्वच्छता, अज्ञानता एवं आलस्य के उन्मूलन के लिए बल दिया गया कि इन चीज़ों को समाज से मिटाना ज़रूरी है, तभी हम समाज के विकास के लिए अग्रसर होंगे और समाज सेवा कर सकेंगे। तो उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान दिया। किन चीज़ों पर? अभाव, रोग, अस्वच्छता, अज्ञानता और आलस्य, इनके उन्मूलन पर श्री विलियम बेबरिज ने बल दिया। बेबरिज की जो प्रतिवेदन थी वो मोस्टली सामाजिक सुरक्षा पर आधारित थी। हम पहले भी देख चुके हैं कि 1900 से 1950 का जो मेंटलिटी थी या जो वो काम करते थे वो सामाजिक सुरक्षा पर करते थे। तो यहाँ पर जो बेबरिज जी हैं, श्री विलियम बेबरिज जी हैं, उनका भी जो प्रतिवेदन था वो पूर्ण रूप से सामाजिक सुरक्षा पर आधारित था। सामाजिक सुरक्षा में उन्होंने 5 विशेष कार्य को सम्मिलित किया। पहला कार्य था संयुक्त, विस्तृत और पर्याप्त सामाजिक बीमा का कार्यक्रम, मतलब जो आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति हैं उनके लिए सामाजिक बीमा का प्रावधान किया जाए। दूसरा था सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम, जिससे उन लोगों को सहायता दी जाए जिनकी आवश्यकताएं सामाजिक बीमे से पूरी नहीं हो रही हैं। पहला था सामाजिक बीमा, दूसरा है उन लोगों की सहायता करना जिनका सामाजिक बीमा से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तीसरा है शिशु सहायता। और शिशु सहायता बेसिकली वो बाद में परिवर्तित हो गया, पारिवारिक सहायता कहलाने लगी वो। इसमें पहले जो बच्चा जन्म होता है उसके बाद में जो साप्ताहिक सहायता मिल दी जाए, जैसे बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद जितनी भी शिशु केयर से ले केयर की बातें जो होती हैं उसमें सहायता पहुंचाई जाए, शिशु की स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिशु के केयर से रिलेटेड। चौथा है सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाएँ। पांचवा है आर्थिक संकट के समय सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक कार्य के द्वारा सहयोग दिया जाए। अगर समाज में, अगर देश में आर्थिक संकट होता है तो उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उस प्रतिवेदन में दी गई। तो ये 5 विशेष कार्य थे जो श्री विलियम बेबरिज ने अपनी रिपोर्ट में दिया। ये एक संयुक्त योजना थी जिसे एक राष्ट्रीय संस्था को चलाना था, एक राष्ट्रीय संस्था थी वो इस
इन कार्यों को करना था उसके द्वारा। वेवरिज रिपोर्ट के आधार पर 1944 में दिव्यांगों के लिए एक कानून बनाया गया, जिसमें ये था कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दिव्यांगों को रोजगार देना अनिवार्य कर दिया गया। 1944 में ही पेंशन और राष्ट्रीय बीमा मंत्रालय का गठन किया गया। इसके अधीन एक राष्ट्रीय सहायता परिषद बनाई गई, जिसका उत्तरदायित्व था लोगों की सहायता करना। 1945 में ही परिवार भत्ता कानून पास किया गया। 1946 में राष्ट्रीय बीमा कानून बनाया गया, जिसके अधीन स्वास्थ्य और दिव्यांग और वृद्ध लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए ये बीमा बनाया गया। 1946 में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया गया। इसी वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कानून बना। देखिए, वेवरिज की जो रिपोर्ट थी उसमें सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे जो कानून थे वो बनाए गए, कि जिससे लोग अपने आप को सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करें और वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। आगे है, 1948 में राष्ट्रीय सहायता बोर्ड बना, जिसका उत्तरदायित्व क्या था, आवश्यकता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जन सहायता का प्रावधान करना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड की जो सामाजिक पद्धति का आधार था वो वेवरिज रिपोर्ट पर आधारित था, क्योंकि वो एक सामाजिक सुरक्षा की बात करते थे और उसी के लिए काम कर रहे थे। इंग्लैंड की सामाजिक सुरक्षा पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो था वो है सामाजिक बीमा योजना, और इस योजना में स्वास्थ्य बीमा, वृत्तिहीनता बीमा, वृद्धावस्था बीमा, असमर्थ बीमा, श्रमिक मुआवजा और विवाह, प्रसूति तथा मृत्यु के लिए विशेष अनुदान सम्मिलित थे। मतलब जितने भी आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति थे उनको सामाजिक सुरक्षा दिलाने की दृष्टि से ये सभी सामाजिक बीमा योजनाएं बनाई गई। तो जो एक महत्वपूर्ण अंग था वो था सामाजिक बीमा योजना। प्रसूति के समय निःशुल्क सहायता दी जाती थी, क्षय रोग जो व्यक्ति थे उनकी सहायता, उनको भी सहायता दी जाती थी, और यहाँ तक कि जो क्षय रोग व्यक्ति थे, जो टीवी से ग्रसित व्यक्ति थे, वो अगर ठीक भी हो जाते थे और चिकित्सालय से लौटते थे तो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी उत्तर रक्षा करता था। मतलब बाद में भी चिकित्सालय से लौटने के बाद भी उनकी केयर, उनकी देखरेख करता था। अब 1900 से 1950 के मध्य इंग्लैंड में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उपायों की शुरुआत की गई। मेन फोकस इनका सामाजिक सुरक्षा था 1900 से 1950 में, जिसका उद्देश्य था आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की, लोगों की सहायता करना। और इस काल में औद्योगिक का भी अत्यधिक प्रभाव रहा, औद्योगिकरण का भी बहुत अधिक प्रभाव रहा, जिसके द्वारा समाज कार्य के विकास में अत्यधिक बल मिला। तो हम कह सकते हैं कि 1900 से 1950 में समाज कार्य की व्यावसायिक रूप में थोड़ा थोड़ा सा आना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों की सहायता ना तो भीख दे के की जा रही थी, ना ही कपड़े खाना दे के की जा रही थी। यहाँ 1900 से 1950 में उनके कल्याण की भी बात की जा रही थी, उनके सुरक्षा की बात की जा रही थी, उनके सम्मान की बात की जा रही थी। तो यहाँ हम समाज कार्यकर्ता की शुरुआत को सामाजिक सुरक्षा से देख सकते हैं। ये था 1900 से 1950 तक का इंग्लैंड में समाज कार्य का विकास। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार।